प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत सूझबूझ के साथ अपना मंत्रिमंडल चुना है। हर वर्ग की हिस्सेदारी हो इसका पूरा ध्यान रखा गया है। आपको लग रहा होगा कि नई सरकार का चेहरा कमोकोश 5 साल पुराने जैसा नहीं है। बीजेपी नेताओं का तर्क है कि जोश के ऊपर होश और अनुभवों का तरजीह दी गई है, लेकिन इस बार कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली जो पिछली सरकार में मंत्री थे। कुछ नाम तो हैरान करते हैं, आइए उन चेहरों से रूबरू कराते हैं जो पिछली सरकार में मंत्री थे लेकिन इस बार उनकी मंत्री पद से छुट्टी कर दी गई। सुषमा स्वराज, 2014 में जब केंद्र में बीजेपी की अगुवाई में एनडीए की सरकार बनी तो सुषमा स्वराज को विदेश मंत्रालय सौंपा गया। सुषमा स्वराज ने पिछले 5 साल में शानदार तरीके से काम किया। लोग सीधे ट्विटर पर सुषमा से मदद मांगते थे और विदेश मंत्री मदद के लिए हाजिर रहती थी, लेकिन इस सरकार में सुषमा स्वराज नहीं हुई। हालांकि उन्होंने सेहत का हवाला देकर पहले चुनाव लेने से इनकार कर दिया। अरुण जेटली, पिछली सरकार में अरुण जेटली वित्त मंत्री थे लेकिन इस सरकार से वो बाहर है। हालांकि खुद अरुण जेटली ने सेहत का हवाला देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखकर मंत्री पद की जिम्मेदारी नहीं देने की अपील की। महेश शर्मा एक बार फिर उत्तर प्रदेश की गौतम बुद्ध नगर सीट से चुनकर सांसद है। पिछली सरकार में महेश शर्मा केंद्रीय पर्यटन और सांस्कृतिक मंत्री थे लेकिन इस बार इन्हें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है। सुरेश प्रभु, पिछली सरकार में सुरेश प्रभु को केंद्रीय रेल मंत्री बनाया गया था, बाद में उन्हें वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री बनाया गया था लेकिन अब उन्हें सरकार में सुरेश प्रभु को जगह नहीं मिल पाई। जेपी नड्डा, मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल में जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री थे और इस बार उनका नाम भी मंत्रियों की सूची में शामिल नहीं है था। हालांकि इस बात के कयास लगाए गए हैं कि अमित शाह के स्थान पर बीजेपी अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौर, पूर्व ओलंपियन और खेल व सूचना और प्रसारण मंत्रालय का सफलतापूर्वक कार्यभार संभालने वाले राठौर को भी मंत्री परिषद में शामिल नहीं किया गया है। मेनका गांधी, इस बार मेनका गांधी सुल्तानपुर लोकसभा सीट से जीतकर संसद पहुंची है। पिछले चुनाव में मेनका पीलीभीत से जीत कर आई थी और उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया गया था लेकिन इस बार सरकार में मेनका गांधी को जगह नहीं मिल पाई। जयंत सिन्हा, पिछले 5 साल से जयंत सिन्हा ने पहले केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और बाद में केंद्रीय नागर विमानन राज्य मंत्री का कार्यभार संभाला था लेकिन उन्हें इस बार मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। जयंत सिन्हा पूर्व बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा के बेटे हैं। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता उमा भारती को भी नई सरकार में जगह नहीं मिली। पिछली सरकार में उमा भारती केंद्रीय मंत्री थी। पिछली सरकार में मनोज सिन्हा मंत्री थे और गाजीपुर से चुनकर आए थे लेकिन इस बार मनोज सिन्हा चुनाव हार गए, लेकिन उम्मीद थी कि उन्हें हार के बावजूद मोदी सरकार में जगह मिलेगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से लालू यादव की बेटी मीसा भारती को हराने वाले रामकृपाल यादव को इस बार मंत्री नहीं बनाया गया है। पिछली सरकार में रामकृपाल यादव केंद्रीय मंत्री थे। उत्तर कन्नड़ लोकसभा सीट पर बीजेपी का परचम लहराने वाले अनंत कुमार हेगड़े को इस बार मंत्री पद में नहीं नवाजा गया। अनंत कुमार हेगड़े मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में केंद्रीय मंत्री थे। हेगड़े हमेशा से अपने बयानों के वजह से चर्चा में रहते हैं। शिव प्रताप शुक्ल से बीजेपी के बड़े नेताओं में गिने जाते हैं। पिछली सरकार में शिव प्रताप शुक्ल केंद्रीय वित्त मंत्री थे लेकिन इस बार इन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई है। उन्हें इस बार मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। जयंत सिन्हा पूर्व बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा के बेटे हैं। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता उमा भारती को भी नई सरकार में जगह नहीं मिली। पिछली सरकार में उमा भारती केंद्रीय मंत्री थी। पिछली सरकार में मनोज सिन्हा मंत्री थे और गाजीपुर से चुनकर आए थे लेकिन इस बार मनोज सिन्हा चुनाव हार गए, लेकिन उम्मीद थी कि उन्हें हार के बावजूद मोदी सरकार में जगह मिलेगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से लालू यादव की बेटी मीसा भारती को हराने वाले रामकृपाल यादव को इस बार मंत्री नहीं बनाया गया है। पिछली सरकार में रामकृपाल यादव केंद्रीय मंत्री थे। उत्तर कन्नड़ लोकसभा सीट पर बीजेपी का परचम लहराने वाले अनंत कुमार हेगड़े को इस बार मंत्री पद में नहीं नवाजा गया। अनंत कुमार हेगड़े मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में केंद्रीय मंत्री थे। हेगड़े हमेशा से अपने बयानों के वजह से चर्चा में रहते हैं। शिव प्रताप शुक्ल से बीजेपी के बड़े नेताओं में गिने जाते हैं। पिछली सरकार में शिव प्रताप शुक्ल केंद्रीय वित्त मंत्री थे लेकिन इस बार इन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई है।